मान कसम इतना बुरा साले का गलत क्या करेगा बोल तू जानता नहीं अभी तेरा लगा लगा है चैन की नींद पढ़ाया है साले इधर तेरी तो माँ बापों को छोड़ के यहाँ पढ़ा हुआ है कौन से माँ बाप है विकास है ना तू है विकास नाम है बता रहा हूँ ना दो मिनट यहाँ बैठ चुप शांति पकड़ बता रहा हूँ माँ बाप का एक मिनट रुक जा माँ बाप का माँ बाप का सास ससुर कहाँ है सास ससुर कहाँ है सास ससुर कहाँ है माँ बाप कहाँ तेरे माँ बाप कहाँ है अरे भाई अबे तेरे माँ बाप कहाँ है मेरे माँ बाप कहाँ है माँ बाप आज जाओ हाँ जाओ तुम मत बोलो ठीक है और अतः इसलिए रैपटे सुन दिया पहले छोड़ इसे ये साले बोल रहे हैं बोल कैसे रहा है हटो लग ये जानता नहीं है क्या बताऊंगा पूरा मोहल्ला मारेगा बता रहा हूँ पूरा मोहल्ला मारेगा बताऊंगा किसी को जितनी भीड़ लग रही है ना सारे मारेंगे हाँ माँ बाप का है क्यों मारेंगे माँ बाप माँ बाप अपनी जगह है और क्या है माँ बाप तू छोड़ माँ बाप दिक्कत हो रही है भाई एक मिनट चुप हो जा माँ बाप कहाँ ये बता दे बस माँ बाप कहाँ है अरे रुक जा दो मिनट समझ में नहीं आ रहा पहले समझ में आ रहा नहीं चुप हो जा कोई हाँ बोल भाई क्या माँ बाप कहाँ है माँ बाप तुझे क्या दिक्कत है माँ बाप है क्या मैं पूछ रहा हूँ माँ बाप कहाँ है क्या करो उनके साथ होंगे कहीं मार दिया मारा क्या है मर जाएंगे मरना होगा तो साले शर्म नहीं आ रही बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है शर्म नहीं आ रही है मर जाएंगे तू मरेगा तुझे नहीं अभी नीचे बैठ पता नहीं है तू मरेगा माँ बाप का है और तुम पीट कहाँ छोड़ क्या है बोल के अभी बताएगा पता ना क्यों पिट रहा है तूने क्या किया तुझे तुम्हें नहीं पता क्यों पिट रहे हो हैं क्यों मेरा हैं तुम्हें नहीं पता क्यों पिट रहे हो नहीं पता तुम्हें छोड़ ना तो बात खत्म कर क्यों आया क्या करने आएगा शर्म आती है शर्म आती है शर्म आती है क्या शर्म शर्म है जो बूढ़े माँ बापों को छोड़ के आया जहाँ तू पता है कहाँ पढ़े पढ़े वृद्धाश्रम के सामने पड़े और क्या पड़े अच्छा अंदर होंगे उसमें अच्छा क्या आया तू छोड़ के आया छोड़ के आया तू अंदर छोड़ के आया बाहर छोड़ के आया अरे यार कहीं भी छोड़ा चले जाएंगे वो रह लेंगे भाई कैसे रोज रोज की कैसे हो तुम दोनों यार हैं भाई हमें नहीं रखना तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल बोलते हुए तू बताना तुम्हें क्या दिक्कत है हमारे माँ बाप हम कहीं तुम किचके एक मिनट चुप रही हो आप किस किस से तंग आ चुकी हूँ हाँ, मैं तंग आ चुकी हूँ क्या तंग आ चुकी हूँ किस बात पे तंग आ चुकी हूँ नहीं रख रहा उनको इसलिए हम छोड़ आए उनको तो उस बात पे आके मेरे पति को मारने की क्या जरूरत है क्योंकि इसके माँ बाप बूढ़े माँ बाप है तुम्हारे भी होंगे ना अपने माँ बाप को छोड़ दोगी कहीं छोड़ के आ जाओगी माँ बाप एक मिनट जाइए आवाज मत करियो माँ बाप को छोड़ के आ जाओगी अपने माँ बाप को मुंह बंद हो गया बुढ़िया बुढ़ा ने मुझे तंग कर रखा है सुबह अच्छा सारा टाइम उनकी चिक 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 सुनो सारा टाइम बीमार रहते हैं दवाई लाके दो अच्छा कभी बुढ़िया को मेरे दांत नहीं है मेरे चबाया नहीं जाता रोटी मत बना दलिया एक बार अपने तेरे माँ बाप कहेंगे तुम्हारे जो माँ बाप है जिन्हें तुम्हें पैदा किया वो ऐसा कहेंगे क्या करोगी खिलाओगी मैं इन लोगों से तंग आ चुकी हूँ इसलिए मैंने तू एक मिनट तू चुप रहे और ये एक साल शादी के हुए हैं अपने माँ बाप को ही निकाल रहा है माँ बाप को ही घर से निकाल रहा है अरे यार रोज उनकी दवाई रोज कहाँ तक खर्चा उठाऊंगा रोज इन दोनों की किचकिच सब यार कैसे हो भाई तुम लोग यार अबे कैसे हो यार तेरा खर्चा नहीं उठाया उसने अरे यार तेरा खर्चा उठाया नहीं उठाया एक मिनट चुप रहना मैं चुप रहना चिक 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 अभी पता लगे जितने भीड़ हाँ जितनी ये भीड़ लग रही सामने पता लग गया किसी को रहते सुतेंगे दोनों में करम ही ऐसे तुम दोनों के करम ही ऐसे हैं अभी कंप्लेंट कर दूं ना उठ जाओगे समझ गए क्यों क्यों कंप्लेंट कर दोगे क्यों कर दोगे हमें नहीं पसंद है हमने रखने हमने रख दिए और मरमरा जाए वो नाले में कहीं लाशें मिले फिर उनकी मरमरा जाए हमें क्या मतलब है हमें मतलब तो पिटने वाले काम कर रही हो सही बताओ बिल्कुल पिटने वाले मरे मरना तो है उनको और तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है यार जब तेरा बेटा जिस दिन कहेगा ना ऐसे कि मेरा बाप आज मरे और कल मरे जब पता लगेगी तुझे जितना बोल रहा है ना तू जब वो बोलेगा ना जब छोटा होके जब पैदा होगा बोलेगा कि हाँ मेरा बाप कल मरे और आज मरे तुम्हें भी जब फेंकेगा नालियों में जा जाके ना तब पता लगेगी तूने एक बार पता किया कहाँ है वो ठंड में कहाँ मर रहे तू तो कंबल ओढ़ के लेटा है ना तू तो कंबल ओढ़ के लेटा है ना सो रहा हूँ अब सोऊं भी ना यार तू तो चैन की नहीं सो रहा है उनने कुछ खाया सोचा अबे कितने दिन की जिंदगी उनकी जो बकवास कर रहा है
जो यहाँ पड़ा हुआ है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। एक तो तू किच किच करके रखती है, अभी इनके भी झेलो। मुझे क्या पता ये कौन है घर में यार, मैं छोड़ के यार मां कसम इतना बुरा साले का गला दबा दो यहीं, समझ गया? आप छोड़ने लगे साला चूतिया कहीं का। क्यों मार रहे हैं उनको, क्या गलती है इनकी? चूतिया नंबर एक। क्यों मार रहे हैं? तू तो चुप ही रह, तेरी वजह से हो रहा सब कुछ, ये मेरा पति तेरी वजह से ही हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तेरी वजह से ही हो रहा है ये सब। मेरी वजह से क्या हो रहा है? मुझे नहीं रखने थे। दिक्कत क्या है? तेरी वजह से ही हो रहा है सब ये। मेरे सर पे चढ़ के नाचते रहते दोनों, कभी दवाई दिला के ला, कभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, बढ़िया हो जाओ, जब जब उम्र हो जाएगी ना, जब अपने बेटे से कहेगी, जब दो रेप्टे मारेगा ना। खाना बना हुआ खाना नहीं खाया जा रहा, दूसरा कुछ बना के दे दे। कितना करूँ मैं, सारा दिन कितना करूँ, करती रहूँ। एक बार अपने माँ बाप की हालत देख चल के मेरे साथ चल, है ना? माँ बाप के यार मैं छोड़ के आया, किस किस की वजह से? तू जा छोड़ के आया, वो वृद्धाश्रम नहीं है, वहाँ बच्चे पढ़ाए जाते हैं, वहाँ वहाँ शिक्षा देते हैं बच्चों को। रह लेंगे कहीं भी, कहीं भी रह लेंगे वो, वृद्धाश्रम नहीं। अब ऐसे आज मरे कल मरे, मरना तो वो वृद्धाश्रम नहीं। वो पता, एक मिनट, तू इतना बोल रहा है नीचे बैठ, वो पता क्यों मर रहे हैं? खाना तो नहीं खा रहे, क्यों? मुझे बेटे के पास जाना है, मुझे बेटे के पास। एक मिनट चुप रहे, मैं तेरा गला दबा दूं, चुप रहे, मेरा मूड मत खराब कर बहुत तेज है भाई। कह रहे हैं कि मुझे बेटे के पास जाना है, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ बेटे के पास जाने के लिए, बेटे के हलाली करने के लिए, और कुछ नहीं है, बेटे के सिर के दर्द बनने के लिए। अरे यार वो दिन तो सोच ले, जब तेरे बाप ने पाला तुझे, कैसे काम कर करके ये उठाईगिरी के चक्कर में बकवास कर रहा है जो इतना। अरे भाई उठाईगिरी है, तू बीवी नहीं है, तेरे जैसी बीवी नहीं होती, तेरे जैसी बीवी नहीं होती। चुप रह, तू तेरे से बीवी नहीं होती, बीवी होती, समझते है? समझ गया? इतना ठीक है, ठीक है। क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा बोल भाई, तू जानता नहीं। जब तेरे घर, सुन मेरी बात, जब तेरे घर में तुझे मार सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, समझ गया? समझ गया? कुछ होगा जब भी, कुछ होगा जब भी, कुछ होगा जब भी। सुन, देख ना कैमरे में सारी चीजें इसीलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, खड़ा है लौंडा वो, इसीलिए। ए इधर हो, कैमरा बंद करवा ले, बंद करवा इनसे, हैं? करवा लेगा तू? अबे क्या क्या है? छोड़ अपने माँ बाप को देख ले, तू हट जा, तेरे को तेरे पर उठा नहीं सकता, इसलिए तो मेरे पति, इसीलिए तेरे पर उठा नहीं सकता मैं, समझ गया? अबे ओए इधर आ, बंद करवाऊं तेरा कैमरा, नहीं बंद करवाऊं तेरा कैमरा साले, नहीं करवाऊं। चल अपने माँ बाप की हालत देख चल के पहले एक बार, चल देख लेते हैं उनको भी, पैसे ऐसे दे के साइड करते और इसको भी खिला। क्यों देखना है? क्या ओए चुप, चुप रह, शर्म नाम की चीज नहीं है बिल्कुल। अरे भाई छोड़ देना, पैसे देगा, पैसे देगा, बात खत्म करेगा, क्यों पढ़ा रहा है, पूरे मोहल्ले में फैला रहा है। हाँ, पता लगेगी ना मोहल्ले वालों, पता लगेगी ना मोहल्ले वालों को, पता लग तो रही है सबको, लग तो रही है, हाँ लग रही है सबको, सबको पता लगेगी, ऐसी पूरे मोहल्ले को पता। कितने रुपए दे देगा? पैसे वैसे ले लो, कैमरा बंद करो। कितने रुपए दो? कितने रुपए दोगे? दोगे कितने रुपए? दोगे उनको पैसे दे आएंगे, उनका जो खर्चा है ना हम दे दे रहे हैं। पहले एक बार हालत दे दे रहे, चल के हालत देख, बकवास करे ना, आ जा, जब ये जाएगा तू भी जाएगी, चल 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 फटाफट, चल चल चल, अरे चलो मैं लेके चल रहा हूँ, चलो छोड़ दो ना इनको, चल चुपचाप, चल चुपचाप, चल चुप।